कार्रवाई की है, क्योंकि मैंने फाफा 2020 से लगातार के खिलाफ, कलेक्टर के खिलाफ और मतलब रेत माफियों के खिलाफ NGT में केस लगाया है। मैंने कि बार बार शिकायत मैंने की है, जो अवैध हमारे किसानों के खेतों में अवैध उत्खनन कर रहे थे, जिससे दुर्भावनापूर्ण से इन्होंने मेरे जो खिलाफ कार्रवाई की है, उसमें मैं 1.5 साल पहले उस केस में बरी हो चुका हूँ। न्यायालय ने मुझे दोष मुक्त कर चुका है, लेकिन मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ। अब जो मतलब सरकार भाजपा की है, भाजपा की सरकार के दबाव में आकर के कलेक्टर ने मेरी कार्रवाई की है, उसमें घबराने की भी बात है। यदि जनता के पीछे, यदि किसानों के पीछे एक बार नहीं 10 बार भी मुझे मेरी 40 की कार्रवाई करेगी, उसमें भी मुझे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि मैं जनता के साथ हूँ, जनता का हित की बात करूँगा और जनता के ही बीच में रहूँगा, बोलूँगा। अब इनके खिलाफ जो हमने अपने वरिष्ठ नेताओं को मतलब अब रेत माफियों के कलेक्टर के विरोध में कार्रवाई के लिए हमने लिखा है, आवेदन दिए हैं, और जो इन्होंने मेरी पर कार्रवाई की है, इसके खिलाफ मैं अब माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जाऊँगा, और मुझे उम्मीद है कि जो जितने केस मेरे फर्जी लगाए हैं, सब में मुझे बरी किया है, न्यायालय ने बरी किया है, इन केसों में भी मुझे लाभ मिलेगा, मुझे बरी करेंगे, मैं न्यायालय जाऊंगा, अन्य खूब मतलब इनके जो जिसने मेरे ऊपर फर्जी तौर पे कार्रवाई की, इनके ऊपर जरूर कार्रवाई करवाऊंगा।